हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आज हम चलते हैं चंडीगढ़ में सेक्टर 17 परेड ग्राउंड की तरफ, जहां लगा है हुनर हाट, और आपको मिलेंगे बहुत सारे आइटम्स जिन्हें आप अपने घर में डेकोरेटिव पीस की तरह से यूज़ कर सकते हैं और जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और सच में इन्हें खरीदने का मन बहुत ज़्यादा करता है और ना चाहते हुए भी बहुत कुछ खरीद लेते हैं। और मैं भी कुछ ऐसा ही सोच के गई थी कि बस देखने जाएंगे, लेना कुछ नहीं है, लेकिन जब पसंद आती हैं चीज़ें, अच्छी लगती हैं, तो फिर हम काफ़ी कुछ ले आए। और हम गए भी 2 बार थे, तो फर्स्ट डे तो मोस्टली चीज़ों के रेट पूछे क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा थे, लेकिन चीज़ें होती भी एकदम यूनिक हैं। लेकिन बाद में जब हम लास्ट डे गए तो उस दिन रेट भी कुछ कम थे और कुछ पीसेज ऐसे थे कि जो सिंगल सिंगल बचे हुए थे उनके पास, तो काफ़ी कम रेट में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले ये दिखाऊंगी, ये सूप मग है और इसमें सिंगल पीस ही बचा हुआ था, और इसमें जो इसका हत्ता होता है वो भी नहीं था, टूट गया था, तो मैंने इसे ऐसे ही ले लिया उनसे। करीब 20 रुपीज़ का प्लांट लगा लूँगी इसमें। और ये मैं लेकर आई हूँ 2 बोनसाई ट्रे, ये बहुत छोटे से साइज़ में हैं लेकिन बड़ी प्यारी लगी मुझे, और रेट भी इनके मुझे बहुत कम लगे। ये 150 की दोनों हैं। वैसे तो हम जब पहले इसे पूछ रहे थे तो ये 200 ईच थी, लेकिन उसके बाद 150 में मिली। और ये है मग, ये भी सिंगल पीस में था, तो ये मैं अपने किचन में यूज़ के लिए ले आई। और ये है पॉट कप के डिज़ाइन में, लेकिन इसका भी सिंगल पीस था और ये मुझे 100 का मिला। इसमें होल भी है पहले से ही। और क्रॉकरी में तो आप जितनी भी चीज़ें ले आओ आपको पसंद आ ही जाती हैं, और इनके आजकल डिज़ाइंस भी इतने यूनिक होते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। और इसके अलावा मैं ये लेकर आई हूँ एक छोटा सा ग्लास जो कि सिंगल पीस ही था, और ये मैंने ये सोच के लिया है कि कुछ दिन किचन में यूज़ करेंगे और फिर इसे प्लांटर बना सकते हैं। और ये है डक, ये भी सिंपल सिंगल ही थी, तो उन्होंने बड़े कम रेट में दे दी, ये 150 का दिया है। और वैसे तो इसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, 250-300 से कम नहीं मिलती, लेकिन सिंगल पीस था तो कम में मिल गया। और ये भी कॉफ़ी मग है, ये मुझे मिला था 50 रुपीज़ का, और इसमें थोड़ी सी स्क्रैच थी साइड में, लेकिन पता नहीं लग रहा है ज़्यादा, तो इसे भी मैं किचन में ही यूज़ करूँगी। और होता क्या है कि कुछ इस तरीके के सेट्स हम ले आते हैं जो बाद में हम प्लांटर की तरह यूज़ करते हैं। और ये है रूम डिफ्यूज़र जो कि बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, ब्लू कलर का, और ये भी बहुत कम रेट में मिला, ये 150 रुपीज़ के आसपास है। और ये भी मग है एक, ये शायद 70 का है। वैसे इसके रेट अगर पेयर में ले रहे थे तो ये 300 के दो पेयर थे, एक पेयर था। और ये हैं छोटे छोटे बाउल्स, कई हैं, तो इनमें साइड में कई जगह निशान हैं, तो ये मैं 20-20 रुपीज़ के लाई थी। इन सभी में होल करके और मैं प्लांट्स लगा दूंगी, छोटी छोटी बोनसाई टाइप के प्लांट्स। और ये एक छोटा सा पॉट है, ये शायद 20 रुपीज़ का है। और ये हैं मग बाउल्स, तो ये बाउल्स भी सिंगल पीस थे इनके, तो ये मुझे मिले 150 में, 2 बाउल्स थे, और ये मैरून और ये वाइट दोनों 150 के हैं, और बड़े अच्छे से यूनिक से डिज़ाइन लगे। और मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि कुछ दिन किचन में यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद प्लांटर्स के काम तो आ ही जाते हैं ये। और ये बोनसाई ट्रे का बड़ा अच्छा काम करेंगे, जेड की बोनसाई हम इनमें लगा सकते हैं, और होल भी बहुत आसानी से हो जाता है। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक वीडियो होल के लिए स्पेशल, वीडियो मेरा कैसा लगा और कैसी लगी मेरी शॉपिंग, क्या मैं सही रेट्स पर लेकर आई हूँ, मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये है 100 रुपीज़ का, तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।
थैंक यू।